कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हेड़ाखान धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कमिश्नर ने ओखर ढूंगा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर छापा मारकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आते हैं और पूरे महीने गायब रहते हैं और डॉक्टर की हाजिरी वार्ड बॉय द्वारा लगाई जा रही थी, जिसके तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। दीपक, अधिकारी की रिपोर्ट। मैं जो आपका रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र, जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया, उखलढुंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें UPCL की भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और जो एक PHC उखलढुंगा है, इसमें एक निमित्ता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं, पहले मैं इनको CMO साहब को और इनके जो MOIC हैं उनको पहले ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है।